हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है। इंटीग्रेशन की मीनिंग समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन, हमें पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हम ये कह सकते हैं वाई एक एक्स का फंक्शन है, फंक्शन है। अगर हम फंक्शन को और डिटेल में जानना चाहेंगे तो ये हम कह सकते हैं जो वाई है, वाई जो हटा दीजिए, वाई एक्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। बस मैथ में फंक्शन की मीनिंग सिर्फ इतनी ही है, वाई एक एक्स का फंक्शन है। और फंक्शन की मीनिंग अगर हम प्योर हिंदी में कहें तो वाई एक्स पर निर्भर करता है, डिपेंड मतलब निर्भर करता है। वाई एक्स पर, एक मैंने यहां लिख दिया, एक्स पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यह कैसे डिपेंड करता है। तो हम अगर यहां पर एक अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण दें एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम यहाँ वाई करेंगे। अब हम वाई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे एक्स की वैल्यू दूसरी दूसरी आती रहेगी। तो देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो हमें पता है जब एक्स जीरो हो जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन। तो जब हम एक्स जीरो लिखा है तब हमें वाई की वैल्यू वन मिली। तो देखिए डिपेंड कर रहा है, बस इसी चीज को कहते हैं कि जो वाई है एक्स का एक फंक्शन है। अगर हम और जब x इक्वल टू वन लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी वन का स्क्वायर टू। अगर हम x इक्वल टू टू लेंगे तो y हमें मिल जाएगा चार प्लस एक, कितना हो जाएगा पांच। अगर हम x की वैल्यू लेंगे तीन लेंगे तो y कितना हो जाएगा, तीन तरफ को नौ प्लस एक दस। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो y है एक्स के अनुरूप चेंज होता है। अगर हम और उदाहरण लें वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर हम यहां पर एक्स की वैल्यू वन लेंगे तो वाई की वैल्यू यहां दो आ जाएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू दो लेंगे तो वाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी तीन। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बस हम ये बताना चाह रहे थे कि ये फंक्शन होता क्या, हम कैसे फंक्शन समझ सकते हैं। बस यही चीज है, वाई एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स पर डिपेंड करता है। अगर हम ये चीज समझ गए हैं तो अच्छे से अब हम इंटीग्रेशन होता क्या है ये समझने के लिए तैयार हैं। तो देखते रहिए वीडियो, मैं आप लोगों को बताऊंगा फंक्शन होता क्या है।